वेलकम टू फूड शिप। आज की रेसिपी है सिंघाड़े की सब्जी। बहुत ही टेस्टी और अच्छी रेसिपी है। इस विंटर ये रेसिपी आप जरूर ट्राई करें, खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले एक कुकर गरम करें, इसमें 2 से 3 चम्मच तेल गरम करें। जब तेल अच्छी तरह गरम हो जाए तो इसमें जीरा, काली मिर्च और खड़ा लाल मिर्च डाल दें। थोड़ी देर बाद इसमें कटा हुआ प्याज डाल दें। जब प्याज हल्का सुनहरा हो जाए तो इसमें कटा हुआ टमाटर डालें, अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार डाल लें। अब इसे 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे। अब मसाला अच्छी तरह भून गया है, इसमें सिंघाड़ा डाल दें। इसको छील कर मैंने 2 हिस्सों में कर लिया है। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करें। गैस का फ्लेम मीडियम पर रखें। अब इसमें करीब 1/2 लीटर पानी डाला है मैंने। अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे, इसे 2 सीटी आने तक पकाना है। कुकर ठंडा हो जाने के बाद इसे खोलें, थोड़ी सी धनिया पत्ती डालें और इसे मिक्स करें। हमारा सिंघाड़े का सब्जी बनकर तैयार है। इसे रोटी, चावल, पराठे के साथ सर्व करें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। उम्मीद है आप लोग को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये रेसिपी आप लोग को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएँ। थैंक यू।